वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल जी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इलास्टिक पोटेंशियल जी के बारे में जाना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी के बारे में जाना, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी किया, राइट। आज हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है वो, तो उस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग देखते हैं। उसे कह रहा है कि एक पंप है, कौन है पंप, और पंप की पावर 1 किलोवाट दे रहा है। तो बता पावर को कैसे डिनोट करते हैं, पी से। तो पावर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। बोले भैया, अब पंप का काम क्या है, पानी फेंकना। पंप का काम क्या है, पानी फेंकना। तो वो कह रहा है कि जो पंप है ना, वो एक घंटे में, एक घंटा यानी क्या दे दिया, टाइम। तो सुना, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60, तो 60 × 60 सेकेंड। हाँ, कर रहा हूं, ले तुम खुश रहो, 3600 लोग खुश, क्लियर। तो वो कह रहा है कि जो पंप है ना, 1 किलोवाट का पंप, वो एक घंटे में कितना पानी 50 मीटर की हाइट तक पहुंचा देगा। तो 50 मीटर क्या है हाइट, पूछ रहा है कितना पानी, कितना पानी, सुना है ना। तो क्या पूछ रहा है, मास। अच्छा, मैंने बोला कितना पानी, कितना पानी, तुमको कुछ याद आया, क्या याद आ रहा है, बचपन याद आ गया, मगर मगर तेरा कितना पानी है, खेले हो कि नहीं मगर मगर, चिड़िया और तोता और गिल्ली डंडा, गुच्छी पाड़ा, कछु ना छोड़ो, कोई जाओ को मोहतो देख लो, जो लाल टी शर्ट ने दिखाया था देने जी, कहा है जी, जीरो जीरो, अरे जी जी कहा है जी, बुलाइए जाने राठौर। हाँ, तो ही कह रहा हूँ भैया, क्या नाम है, ललित, बैच के बाद मिल, तो सीट ले रहे सभी को। तो वो पूछ रहा है कितना पानी ऊपर पहुंचा दिया, फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है 1 किलोवाट का पंप है, एक घंटे में कितना पानी, यानी मास ऑफ वाटर जानना चाहता है आपसे, एक घंटे में कितना पानी 50 मीटर की हाइट तक वो पहुंचा देगा। 1 से 1.5 मिनट का समय दिया, अपने आप अप्लाई करो, खुद से समझो क्या करना होगा। वैसे आप बताओ, पानी को ऊपर ले जा रहा हूं, समझ गए ना, करो कोशिश करो, 1 मिनट का 1.5 मिनट का समय आपके पास। चलिए तो देखते हैं, भैया पावर दे रहा है, टाइम दे रहा है, एम जाना चाहता है। तो हमने बचपन में ये जाना था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये सर रो। अब पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं, पानी को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा रहे हैं। तो बता भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MGH बटे टी, बिना समझ में नहीं आ होगा, करता हो जाए कहाँ पे हो, मैंने पावर कितने गए यार, एम हमें निकालना है, जी दही है पट्ठा ने, कितने दही है 10, हाइट कितनी है, हाइट 50, टाइम कितना है, टाइम कहाँ हो तुम, 3600, जीरो 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 जीरो, बोलो भैया 36 को इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36000 बराबर क्या लिखूं, 5m, m तो मैंने जो लिख दी 5 है, या तरे में ले आऊं, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, बचा 1, 5 × 2 = 10, 2 0 2 0, तो m बराबर साढ़ा कितना आ गया, 7200 किलोग्राम। किलोग्राम क्यों लिखा है आपने, मास है, वेरी गुड, नोट इट डाउन। बच्चों एक समस्या आ गई है, आप में से ऐसा कोई है जिसको ऐसा लगता है कि हम मोबाइल बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं, हमको मोबाइल में बहुत कुछ आता है, मतलब ऐसा कोई है, मेरे मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरा जो मोबाइल है ना वो बार बार हैंग हो रहा है, हैं? क्या कर लूं, रीस्टोर कर लूं, ये रीस्टोर रीसेट कर लूं, तो रीसेट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा मुझे, है? मैं सेटिंग में गया था तो सेटिंग में मुझे ना रीस्टोर का ऑप्शन मिल रहा था, तो वही वाला रीसेट है, ये रीसेट का मतलब क्या होता है, है? दोबारा से सेट कर लो, क्लियर है, यस और नो, रीसेट का मतलब, हाँ, यानी अगर आपके मोबाइल में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, आपका मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, तो हम उसे दोबारा सेट कर लेते हैं, यानी रीसेट ऑप्शन का मतलब ये है
कि आपका जो भी डेटा है उसमें वो चला जाएगा और मोबाइल वापस फैक्ट्री सेटिंग्स पे आ जाएगा। जो बोला समझ में आया? पक्का? रीसेट का मतलब ही होता है, चाहे रीसेट बोल दो चाहे रीस्टोर बोल दो, बात एक ही है। क्या बात? एक ही है। ये जमीन है नहीं, ये वॉल है, वॉल द वॉल दीवाल। चुप हो जाओ, क्या बता रहा था? टॉपिक से हटवा दिया तुमने। क्या बता रहा था? रीस्टोरिंग फोर्स। लिसन, ये भी स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में, बच्चों ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके एक एंड से टाई कर दिया है। अब मैं इसको सरका के यहां ले आया ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग तन गई, स्ट्रेस्ड हो गई, एक्सपैंड हो गई। यस, क्लियर है? तो होता क्या है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को यहां से लेके यहां तक स्ट्रेच कर दिया। एग्री करते हैं इस बात से? अब जब मैं ऐसा करता हूं ना, तो ऐसा करने की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है। अब वो फोर्स क्या करता है उसको समझते हैं। वो फोर्स क्या करता है कि जैसे ही मैंने इसे खींचा, ये तो मेरे हाथ द्वारा लगाया गया फोर्स था और ये स्प्रिंग स्ट्रेस्ड पोजीशन में आ गई। अब ऐसा करने से इस स्प्रिंग के अंदर एक और इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है। अब इस फोर्स का काम क्या है, जैसे ही मैं अपने हाथ का एक्सटर्नल फोर्स हटा देता हूं, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हो जाता है ना, वो क्या करता है, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है, है ना, यानी फैक्ट्री सेटिंग में ले आता है, जैसा था वहीं ले आता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ गए? क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, स्प्रिंग को खींचने के बाद जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया, तो ये उस स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाके रिस्टोर कर रहा है, इसलिए हम इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ गए? ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रही बात? साइंटिस्ट थे हुक, कौन, पूरा नाम है रॉबर्ट हुक। चैप्टर पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी, वहां पर हम रॉबर्ट हुक के बारे में बातें करेंगे। तो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, तो उन्होंने बोला, आप बताओ पहले, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया, एक्स, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। अगर मैं और ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा डेवलप होगा, और कम स्ट्रेच करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ में यही बात कही गई थी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एक्स बोले तो स्ट्रेच्ड भी बोल सकता हूं या कंप्रेस्ड भी बोल सकता हूं। जो बोला पल्ले पड़ा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। कब? एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने के बाद। जो बोला समझ में आया? रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर है रीस्टोरिंग फोर्स। आगे की बात करता हूं, तो अभी अभी आपने बोला कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और मैंने ये भी सुना है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। फॉर्मूला याद रखना, एफ बराबर फैक्स, एफ बराबर फैक्स के एक्स, एफ बराबर के एक्स, राइट, फैक्स। यहां पर के जो है दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है, या तो हम इसे फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं, या फिर इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? आइदर यू कैन से फोर्स कांस्टेंट और यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये किसका होता है? स्प्रिंग का होता है। क्लियर? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। गॉट इट एवरीवन? एक्स को नीचे ले आऊंगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ? के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। जो बोला पल्ले पड़ा। कोई मुझे बता सकता है फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट को क्या बोलते हैं? तो किसी ने पूछ लिया स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? न्यूटन पर मीटर। लग गया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बना देता हूं। एफ फोर्स है, फोर्स का डायरेक्ट बताया था, हाँ, मालती टू याद है, एम एल टी माइनस टू। एक्स डिस्टेंस है मीटर, मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ बोले तो लेह, एल ते लेह, तो एम टी माइनस टू। कौन आ गया, ये कौन आ गया? काय का डायमेंशन फॉर्मूला है? स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। किसी ने पूछ लिया डायमेंशन फॉर्मूला तो मन बद दोगे भागो। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
डेफिनेशन अपन ने अच्छे अच्छों की बना दी। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को क्या मान लिया करते हैं, वन 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 मान लिया करते हैं। आओ इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, x बराबर 1 मीटर लिख दूं तो k बराबर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग को क्या कितना मीटर खींचा है, स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए काय की रिक्वायरमेंट होगी, स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। समझ गए, क्लियर है। स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर, या स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लंबाई में चेंज ही तो कर रहे हो, क्या मीटर को 1 मीटर भी बोल सकता हूं या यूनिट लेंथ भी बोल सकता हूं। यूनिट अगर किसी जगह बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है, पहले ही बता चुका हूं, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। चाहे जैसे बोलो, पढ़ना है समझना है अपनी भाषा में डेफिनेशन लिखनी है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 तरीके से बोल रहा हूं, सब सुन लो। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स, पहले हिंदी में सुन लो, स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है। अब बताओ आगे काय के बारे में बोलूं, पहले सुनो, स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है, अब आगे काय के बारे में बोलना है, फोर्स के बारे में बताना है, कौन से फोर्स के, स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बारे में बराबर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स के बराबर होता है, कौन से फोर्स के, जो स्प्रिंग की लंबाई में 1 मीटर का चेंज कर दे। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नहीं है बात समझ, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स, कौन सा फोर्स, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नहीं है बात समझ, या द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। नहीं है बात समझ, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला, समझ में आया। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट एट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। स्प्रिंग अगर सॉफ्ट होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, स्प्रिंग अगर हार्ड होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण बताता हूं, फॉर्मूला याद रहेगा। आप बताओ ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये घटेगा, समझ में आता है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ये बढ़ेगा तो ये और ये घटेगा तो ये। अब सुनो, मैंने अभी अभी बोला हार्ड स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। मैंने ऐसा क्यों बोला, कारण समझ लें, वो आप ही बता दो, मैं क्या बताऊँ। स्प्रिंग देखिए, हार्ड स्प्रिंग समझे तो ही हो गए, सॉफ्ट स्प्रिंग समझे तो ही हो गए, कौन सी स्प्रिंग खेचवे के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हार्ड स्प्रिंग के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा इसका मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये भी ज्यादा होगा। बोलो भैया, इसलिए मैंने बोला हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स, तो फोर्स कम लग रहा है इसलिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। ये बात समझ गए, अब चाहे तो फोर्स पे समझ लो, ऐसे ना समझ लो तो ऐसे समझ लो। सॉफ्ट कौन सी ज्यादा तनेगी, कौन सी कम तनेगी, सॉफ्ट स्प्रिंग ज्यादा तन जाएगी, ज्यादा तन जाएगी यानी उसके लिए क्या ज्यादा है, x, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो ज्यादा है, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए x ज्यादा होगा तो k, तो यही तो बोला था सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए k कम होता है। हार्ड स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, समझ में आई बात, चाहे जैसे देख लो बात वही आएगी, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, पढ़ लो समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, आर यू तैयार हो, चलो आओ देखते हैं। तो क्या जानना चाहते हो आप लोग, रिलेशन जानना चाहते हो काय के लिए, अच्छा आओ तुम्हें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को रिलेशन बताऊं, पहले तुम बताओ मोहे, इतना पढ़ लिख गए, 4-4, 5-5 महीनों से पढ़ रहे हो, क्या हासिल कर लिया तुमने अभी तक, क्या तुमने ये हासिल किया कि अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B
तो ए और बी के बीच का ग्राफ कैसा होगा? बताओ, तुमने ये हासिल किया तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? ऐसे भगवान को क्यों याद कर रहे हो? ग्राफ पूछ रहा हूं कैसा होगा? ऐसे। यू मीन टू से ऐसे? पका पका। अच्छा, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू बी होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, तो बता फिर एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होता है? आगे होता तुम्हें एरिया ऑफ द ग्राफ एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ वाई एक्सिस अपॉन। सब बता चुका हूं, सब बता चुका हूं, दिमाग का दही नहीं करना। बता चुका हूं एरिया ऑफ द ग्राफ एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अच्छा हाँ, ये टेन थीटा। क्लियर है ना सभी को? अच्छा बताइए काय, मैंने ना मोतियों के रहो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट टू कंप्रेस्ड स्टेट या एक्सपेंडेड स्टेट। बताया था नहीं? बताया था, बताया था ना, बताया था ना। अच्छी बात है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो आप मुझसे ये कहना चाहते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कहना चाहते हो? ये तो कह रहे थे, कहीं कहे नहीं तुमने मुझे, बताना जरा, बताओगे? चलो बताना, पहले पूछ लेता हूं साइड से उसके बाद आता हूं। इधर आओ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक मिनट आप बताओ, हाँ? इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, हाँ? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? मैंने पूछा, लिसन एवरीवन, हेलो, मैंने पूछा इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो भैया एरिया ऑफ द ग्राफ हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस यानी कि टाइम, वाई एक्सिस यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बोलो भैया? अरे ये पढ़ानी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या वेलोसिटी इनटू टाइम भी बोल सकते हैं, राइट? तो ये वी इनटू टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? डी लिख सकता हूँ, यानी इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो डिस्टेंस बोल सकता हूँ या डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, बात एक ही है। क्लियर है? जो बोला पल्ले पड़ा, ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? ये तय गई अगर समझ में आ रही है तो वो बताइए, तुम बता दोगे मैं तुम्हें मान जाऊंगा। एफ फोर से एक्स डिस्प्लेसमेंट है, बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? है? इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क। कौन सा कह रहा हो वर्क? कौन सा कह रहा हो वर्क? वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा एरिया ऑफ द ग्राफ एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो गया, वाई एक्सिस एफ हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। जो बोला पल्ले पढ़ा। चलो तो अब आप लोग लायक हो क्वेश्चन को समझने के, तैयार हो? आओ तो मैं बाहरों में ले चलो। मुझसे पूछ रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं रिलेशन डेवलप करूं, ठीक है? ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सुने भैया, स्प्रिंग है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्प्रिंग तान दी, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल आया, कॉन्स्टेंट आ गया। यहां तक सीन क्लियर है? ये तो सब बता ही चुका हूं। मुझसे पूछा जा रहा है मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप मुझे बताओ यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कैसा ग्राफ होगा? लाइक दिस। इस ग्राफ को मैंने नाम दे दिया ओए। क्लियर है? अब मुझसे कह रहा है मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊं, तो मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में, बताया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू एक्सपेंडेड पोजीशन या कंप्रेस्ड पोजीशन। बोलो भैया, यस और नो? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। क्या निकालना पड़ेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर ही तो होती है, तो मेरे को क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। आप बता दो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया यही तो होगा, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, तो इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क। समझ गया ना? क्यों बोला मैंने वर्क? समझ में आई बात? क्यों बोला वर्क? क्योंकि एरिया ऑफ द ग्राफ होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ द ग्राफ। बोलो भैया, यस और नो? हाँ। और एरिया ऑफ द ग्राफ हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या के बराबर होता है? जो मैंने आपको बोला, आपको पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले तो ये बताओ, है?
मेरी बातें वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिन्होंने ग्राफ वगैरह पढ़े थे वहां पर, क्लियर है? तो बताओ भैया, अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं इस ग्राफ का क्या निकालूं? एरिया, तो ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ ग्राफ। ओ ये अभी वो है अभी, बोले भैया, यस और नो, ये कैसा शेप है? है कोई माइकल आल जो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दे क्या होता है? 1/2, तो वन, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाफ, बेस कितना है, एक्स, हाइट कितनी है, ये इसके पैरेलल है तो ये एफ है, तो हाँ ए बी, ए बी एफ हो गया ना, है ना, एफ लिख दू, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आधा फैक्स, आधा फैक्स याद रहेगा पक्का, हाफ एफ एक्स। अच्छा अब आगे मुझे कुछ समझ में ना आ रही, तुम बताइए मुझे, तुम्हारी समझ में आया होगा, बताइए लपक गए, कैसे करता हूं एफ बराबर के एक्स फैक्स, बोलो भैया, तो जे बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, का हुआ कोई परेशानी? नहीं नहीं हुए तो बताए ना, ना तो फिर सुने, ये समझ में आ गया, जय बताइए, u बराबर क्या ये गई हाफ k। अब मुझे मालूम है चूंकि f बराबर के एक्स होता है, k को नीचे ले आऊंगा तो f अपॉन k बराबर x, बोलो भैया, तो x की जगह f अपॉन k लिख रहा हूँ, तो बताओ क्या लिखूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, k तो स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो u बराबर क्या आया, एफ स्क्वायर अपॉन टू के, नहीं यही बात समझ, तीन फॉर्मूले आ गए बॉस, तीन फॉर्मूले आ गए आपके, काय के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, कौन कौन से आ गए, यू बराबर हाफ एफ एक्स, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर एफ स्क्वायर अपॉन टू के, बोलो भैया समझ गए, के कौन, कॉन्स्टेंट, के कौन, कॉन्स्टेंट, के कौन, ठीक है समझ गए, तो इस तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग, पहले इतना देख लो फिर आगे ही बात करूंगा। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आप लोग निकाल लेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है कोई माइकल आल जो मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दे, पैटर्न देखिए, आप पैटर्न देखिए, डिजाइन अलग अलग है, पैटर्न सेम है, बनावट देखिए इनकी, है सही बोल रहा हूं ना, नॉट जोकिंग, लिसन एवरीवन, हेलो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, इलास्टिक पोटेंशियल पढ़ ली, पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो काम मोमेंटम का है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में वो काम किसका है, हाँ पूछता है कि इन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द फिल इन द ब्लैंक्स इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स, ऐसे बताइए, ऐसे बताते हैं, ऐसे हाँ क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो काम मास का है, इलास्टिक पोटेंशियल जो वो काम किसका है, स्प्रिंग माइंडेड, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, देखो ना, देखो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स होता है कांस्टेंट, और मास भी तो फिक्स होता है कांस्टेंट, नहीं है मेरी बात, लक्षण भी सेम मिल रहे, जो काम यहाँ डिस्प्लेसमेंट का होता है वो काम यहाँ पर वेलोसिटी का, यानी इन फॉर्मूलाज में जहां जहां डिस्प्लेसमेंट आएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वहां क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, इनमें एक सिमिलैरिटी टाइप की है, राइट, ऐसे और भी फॉर्मूलाज मिलेंगे आगे, राइट, तो क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक हमको क्लियर है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद हमारे सामू अगला सवाल है, बोले क्या सवाल है, हाँ ओके
फिर से पढ़ो एक बार. लिसन एवरीवन, बस हो गया. लिसन, मुझसे कहा जा रहा है एक बॉडी है. क्या है? Body. एक बॉडी है. ऐसी ऐसी बॉडी ना, 10 किलो की बॉडी है. 10 किलो की का? हाँ, सपोज करिए. हेलो, लुक एवरीवन, ये स्प्रिंग है बेटा. अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है. थोड़ी देर के लिए बॉडी मैंने ये कार मान ली, ठीक है, मन से ही मान ली कार, है ना. वो कह रहा है ये बॉडी है 10 किलो की. 10 किलो की बॉडी, इसका मास 10 किलो है. तो वो कह रहा है 10 किलोग्राम की बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. कोई माइकल आज जो मुझे बता दे इसमें कौन सी एनर्जी है इस बॉडी में? काइनेटिक एनर्जी. तुम्हें कैसे पता चला काइनेटिक एनर्जी है? क्योंकि भग रही है. यस और नो? भग रही है. क्लियर? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो कह रहा है 10 किलोग्राम की बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भग रही है, और भगते भगते जब ये इस स्प्रिंग से टकराती है तो इस ऑब्जेक्ट, इस स्प्रिंग को प्रेस कर देती है, कंप्रेस कर देती है. तो पूछ रहा है कितनी कंप्रेस करती है, यानी एक जानना चाहता है. समझ गए क्या जानना चाहता है? और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसने दिया है 4×10⁵ न्यूटन पर मीटर. क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले तो ये मैं बताऊं जा में कौन सी एनर्जी है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये इससे टकराएगी तो स्प्रिंग दबेगी तो ये काय में बदल जाएगी, है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. तो बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल कन्वर्जन होता है. कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी में बदल गई बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. समझ जाओगे ना ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए. बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो. एक तो हमने पढ़ा था हाफ एफ एक्स पर एफ को एल लाना है, तो एक पढ़ा था हाफ के एक्स स्क्वायर. बोलो भैया यही तांदू तांदू तांदू. हाफ आप फुले जाओ, क्लियर है, हाफ से आप उड़ी जाओ. चलो एम, एम कितना है? 10. वेलोसिटी 2×4 कर दूं. के कहो तुम, 4×10⁵ इंटू एक्स स्क्वायर. बोलो भैया फोते फोर फोत दू. यस और नो? 10⁵ नीचे ले आऊंगा तरे में, तो 10/10⁵. बोलते क्यों नहीं है? बोलते क्यों नहीं? क्या हो जाता तुम्हें? बोल में करो. क्लियर है? 10⁵ ऊपर जाएगा तो, और ऊपर 10⁵ पहले से ही है, तो इसे ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर बराबर 10⁵ × 10⁵-5. समझ में नहीं आई यू ने कहा कर दो. मैंने बेस सेम होती है तो पावर एड हो जाती है, तो क्या लिखूं? 10⁻⁴ स्क्वायर हटेगा तो रूट आया आनिया, तो 10⁻⁴ रूट को हटा के ऐसे लिखूं, है, रूट हटता है तो पावर वन बाई टू आ जाती है, आ जाती है. या फिर रूट लगा लो तो 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट ले लेना. बात एक ये चेंज ऐसे कर लो. समझ गए? तुम समझ तो रहे हो ना? तुम जिस हिसाब से मुझे घूर के देख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है जब पे मैंने कछुए ऐसा कदम बताते तो मैं दिक्कत है रही बड़ी बारी. सही हो ना? तो ज्यादा घूरो मत. पावर में पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -4 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जब 4 बोल दूं जाए तो 10⁻²⁰ मीटर. या तो ऐसे ही लिख दो और आगे बढ़ाना है तो 10⁻²⁰ बटे में ले आओगे नीचे तो कहा जाओ 10⁻²⁰ बोले तो 100 1/100 कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? उतार लो फटाफट. ठीक है, तो आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. जय हिंद.